ग्राम पंचायत इटावा में विभिन्न विकास कार्यों का फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि विकास कार्यों में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। इटावा सरपंच बजरंग लाल शर्मा ने बताया कि इस दौरान डामरीकर सड़क सीसी ब्लॉक सहित जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी व पाइपलाइन सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों का माल्यार्पण और साफा बांधकर स्वागत किया गया। दौरान सरपंच बजरंग लाल शर्मा ने पंचायत क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से विधायक निर्मल कुमावत को अवगत कराया, जिस पर विधायक निर्मल कुमावत ने सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर दतिया सरपंच शंकर लाल महला, उप सरपंच गरपट सिंह, सरिता सरावत, जगदीश सहित अनेक जन प्रतिनिधि ग्रामीण उपस्थित थे। अपने सामने बनी हुई है तो ये बस स्टैंड से लेकर के इन्होंने रेफाड़ा फाटक तक का शिलान्यास भी इन्होंने किया था। पुनः जब दो पांच साल का कोई ब्रेक लगा या बजट की कमी रही या कुछ भी जो भी कमी रही, इन्होंने फिर से हमारे ऊपर कृपा करी और रेफाड़ा फाटक से दादिया सीमा तक की हमें सैंक्शन दी। ये इतने सीधे हैं कि ये जो अभी सरपंच साहब बता रहे थे शंकर जी कि जो MDR श्री माधोपुर से हमारे यहाँ पड़ोस में उस गाड़ी के पास ही आ रही है उसमें MLA साहब 1.5 किलोमीटर यानी ये 28 किलोमीटर सैंक्शन है ये सड़क। अब इसमें क्या है कि जो RCT कौन सी कंपनी है वो बना रही है, ये इसमें PWD का कोई लेना नहीं है, तो उसके जरिए एक्शन चीफ इंजीनियर जो भी है वो अलग है सर, तो आप उनसे बात करें। उसके अंदर क्या है कि 1.5 किलोमीटर सड़क बची हुई है, 1.5 किलोमीटर आप चाहे तो बाजार लगा दीजिए या 1.5 किलोमीटर हमारे यहाँ हो। हम ये नहीं कहते हम झगड़ा नहीं करेंगे बिल्कुल भी, किसी भी तरह से इस 1.5 किलोमीटर को आप बात कर लेंगे तो MLA साहब इस बात को गंभीरता से लेंगे, ये अपेक्षा है हमारी। हम तो आज इनको धन्यवाद देने के लिए, इनका स्वागत करने के लिए बुलाया है, ये इसको बिल्कुल इस बात को ये हृदयंगम रखते हुए क्योंकि इसमें आप सभी लोग सीधे और सरल और निर्मल इसलिए बताया हूँ मैं, इन्होंने जो भी मांगा है भाई चूरमा तो खिलाएंगे, लेकिन इन्होंने जो भी मांगा अपन ने सरलता से और सीधे अपन से फोन दे दिया। इन्होंने किसी प्रकार की कोई लाल लपेट हमारे साथ में नहीं रखी। आज उत्तराखंड का ये जो 1 नंबर वार्ड है, आज हमारे वार्डपन साहब नहीं है लेकिन सुल्तान जी रेफाड़ा हमारे वार्डपन साहब है, वो भी विकास में प्रयासरत रहे हैं हमेशा। पता है कि इस 1 नंबर वार्ड के अंदर जो विकास की शुरुआत हुई है, जो विकास के निर्माण कार्यों की जो शुरुआत हुई है, वो माननीय निर्मल जी की देन है कि आज इतने बड़े इस उत्तराखंड के अंदर आज कम से कम 7 कामों का जो उद्घाटन करेंगे, इसलिए हम इनका समय लेंगे। मैं नाम बता दूं आपको, वो हमारा कार्य दीजिए।